हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस 11th क्लास चैप्टर 1 फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जो वर्तमान में भूगोल विषय के अधिक मानव केंद्रित होने से मानव भूगोल संबंधित शाखाओं का अधिक अध्ययन हुआ है। जैसे मानव भूगोल की कितनी ब्रांचेज है? 3 है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और जैव भूगोल। तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल एनवायरनमेंट मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। अनेक सभी विद्वान अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं। पृथ्वी के तल के धरातलीय स्वरूप जहाँ पर सागर है, महासागर है, जैवमंडल है, वायुमंडल है, इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अलग अलग ऑथर ने उसे अलग अलग डिफाइन किया है। लेबोक के अनुसार भौतिक वातावरण एवं जीवन के अंतर संबंधों का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। आर्थर होम्स ने बोला है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही स्वयं में भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत स्थलाकृति आती है, चाहे मैदान की हो, चाहे प्लेन एरियाज हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे है ना इन सब की स्ट्रक्चर जो आता है वो है। और वायुमंडल में सारे मौसम संबंधित, आंधी तूफान वर्षा, मौसम संबंधित, जलवायु संबंधित, ये सभी अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 प्रमुख घटकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ये घटक स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल और जैवमंडल होते हैं। तो आपको वो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है। और सबसे पहले भौतिक भूगोल, भूगोल की डेफिनेशन, सबसे पहले इरेटो स्थनीज ने भूगोल की डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला ज्योग्राफी शब्द दिया जियो प्लस ग्राफो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के धरातल तल का अध्ययन करना। सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, पृथ्वी तल पर स्थित बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। जहाँ पर हम रह रहे हैं महाद्वीप और महासागर दो ही है, ठीक है। इसे क्या कहा गया है? स्थलमंडल कहा गया है। स्थलमंडल के अंदर पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास भाई है ही है। सब कुछ कहते हैं ये पेंजिया था, फिर पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा बने। जो स्थलीय हिस्सा था वो पेंजिया था और जो महासागरीय हिस्सा था वो एक ही था, वो पेंथालासा। फिर पेंथालासा के पेंजिया के फिर टुकड़े हो गए, एक नॉर्थ में अंगारा लैंड और साउथ में गोंडवाना लैंड, इसके फिर टुकड़े हो गए। ये 7 प्लेटों पे बना है ना, ये छोटी छोटी प्लेटें जो आगे चैप्टर में बताई गई है। तो इन सब का अध्ययन, ये ऐसे इतिहास बताया गया है। भूगर्भ की रचना यानी धरातल के अंदर क्या क्या है, क्या मिलता है, कितना गहरा है ना। तो स्वेस ने उसका अलग डिफाइन किया है। स्वेस ने बताया, अकॉर्डिंग टू स्वेस ने सियाल, सीमा और निफे 3 लेयर बताई है। उन्होंने बोला है कुछ सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, कुछ मैग्नीशियम और इससे बना है, सिलिकेट से, ऐसे अलग अलग उन्होंने बताया है कि कैसे उनके टुकड़े हुए। फिर चट्टानों के प्रकार, कौन कौन सी रॉक पाई जाती है, आग्नेय रॉक है ना, आग्नेय है, अलग अलग रॉक्स के अलग अलग उनकी विशेषताएं बताई गई है। अवसादी रॉक्स है, आग्नेय और कायंत्रिक रॉक है, ढाल बताए गए हैं, कौन कौन से कैसे स्लोप होते हैं, और फिर विवर्तनिक बल फोर्स बताए गए हैं। इन फोर्सों के कारण प्लेटें एक दूसरे के विमुख गई है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, संरचना स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर, इनकी अवस्थाएं आदि का अध्ययन स्थलमंडल में किया गया। फिर आता है वायुमंडल। वायुमंडल का अर्थ क्या हुआ? हमारे चारों ओर का जो आवरण है, जो गैसें हैं, वो वायुमंडल कहलाई है। वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? अभी हम कहते हैं आज का मौसम देखो, यानी कुछ घंटों के समय के अंतराल में होने वाली मौसमी दशाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। मौसम बदलता रहता है, लेकिन जलवायु दीर्घकालीन मौसमी घटनाएं जो होती है वो जलवायु कहती है। जलवायु का अंतर कई महीनों में आता है, जबकि मौसम का अंतर कई, अभी मौसम तेज धूप है, हो सकता है 4 घंटे में मौसम में बदलाव आ जाए, लेकिन जलवायु का बदलाव बहुत लंबे समय में आता है। वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संगठन, ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, आर्द्रता के रूप, वर्षा, आंधी, तूफान है ना, ये सब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दशाएं कहलाती है। वायु राशियां एवं विक्षोभ विश्व की जलवायु, मेघा चादन, वर्षा आदि का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर,
पृथ्वी पे देखो, अब जल में भी जीव जंतु है, स्थल पे भी है और वायुमंडल में भी है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला विशाल जल का भंडार आवरण, जिसके अंतर्गत मुख्यतः झील भी आती है, सागर भी आते हैं, महासागर भी आदि सम्मिलित किए जाते हैं और इसका अध्ययन जल मंडल में किया जाता है। जल मंडल क्या है? जल मंडल का अध्ययन के अंतर्गत सागर महासागर की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में बताया गया है। समुद्री नीतल कैसा है, महासागरीय लवणता, सागर के अंदर लवणता किस पर निर्भर करती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, सोडियम सल्फेट की मात्रा कितनी होती है, कार्बोनेट सल्फेट की मात्रा कितनी होती है, और सभी महासागर में लवणता की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। सागरीय लहरें, ठंडी लहरें, गर्म लहरें, धाराएं, ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, सागर के तट पर जो लहरें किस तरीके से कटाव होता है ना, इनकी कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है, इन सब का अध्ययन किया गया है। महासागरीय लहरों के कारण वहाँ का समुद्रिक तापमान कैसा रहता है, ठंडी धाराएं होती है वहाँ का सामुद्रिक तापमान कैसा होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया गया है। ज्वार भाटा, ठीक है, समुद्री जल का उफान जब आता है, समुद्री जल ऊपर उठ करके आगे की ओर बढ़ता है, वो ज्वार और भाटा कहलाता है। उससे कई तरह के फायदे भी हैं और नुकसान भी होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रवाल भीति, प्रवाल भीति क्या होती है ना, कोरल रीफ क्या होती है, एक समुद्री जीव होता है जो मखमल जैसा होता है, जो चूने की खोल से बना होता है और चूने की खोल को निकालता है। धाराएं, समुद्री निक्षेप, समुद्र सागर के अंदर बहुत सारे निक्षेप है, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है बायोस्फीयर, ये धरातल एवं वायुमंडल में मिट्टी वनस्पति जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी जैव मंडल कहलाती है। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त प्रकार के जीव मानव और वनस्पति भी सम्मिलित की जाती है। इसमें जीवों की उत्पत्ति कब हुई, विकास कैसे हुआ, कितने कहाँ कहाँ फैले हुए, आवास कैसे है, जीवन चक्रों को कैसे प्रभावित किया जाता है, आज हम किन एरियों में ज़्यादा रहते हैं, है ना, और क्या कारण है ना, जहाँ जल है वहाँ जीवन है, तो वहाँ जलीय एरिया, मीठा पानी, इन सब के बारे में बताया गया है, और इन सब के बीच पारस्परिक संबंध किस तरीके से है, इन सब के बारे में अध्ययन किया गया है। तो ये हो गया बायोस्फीयर, फिर हो गया हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये आर्थर होम्स के द्वारा दी गई फिजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, मीनिंग और डेफिनेशन, और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इसका पूरा लार्ज स्केल पीछे दिया गया है। थैंक यू।